मैं फरहान आईएमबी से, मेरे साथ अभी शरियार खान है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बेंगलोर सेंट्रल के बारे में जो एमपी इलेक्शन है कि आज का सिनारियो क्या है और इनकी क्या सोच है। शरियार साहब एक बात है, सेंट्रल में आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? मैं एंटी स्टेटस कोइस्ट, मैं स्टेटस कोइस्ट पार्टी से तंग आ गए। मैं समझता हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हमारा, कांग्रेस भी हमारा इस्तेमाल करिए। बीजेपी तो तुम्हें मालूम है, उनका मॉब लिंचिंग हो गया इंडिया में, जो धांधली और जो कंफ्यूजन, जो माउथ, जो मर्डर्स हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में क्या भी नहीं बात करते हम, इसके बारे में बहुत डिसअपॉइंटेड है। ये किसी जाति या सेक्युलरिज्म प्लूरिज्म की बात भी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को प्रोटेक्ट, जनरली पूरे प्रोटेक्ट करने की बात है। मुझे दिखता है प्रकाश राज एक एंटी स्टेटस क्वो आदमी जो फ्रेश थाट लेके आए हैं, अपना करियर स्टेक करे हैं, सैक्रीफाइस करके आए हैं। तो हम ना, जब एक ऑल्टरनेटिव मिल रहा है, कब तक हम एक इसी पार्टी को डालते रहेंगे? कब तक हम उन्हें डराएंगे, हम ना डरा के हमारे वोट लेंगे? एक वक्त आया है कि पन्ना पलटना है, कहीं ना कहीं पलटना है पन्ना। हमें माइनॉरिटीज़ को कभी ग्रांटेड नहीं लेना। ये थॉट में मेरी नहीं, जितनी जगह मैं टूर करूँ स्टेट में या इवन इंडिया में, ये थॉट है कि हमें एक नया डॉन हमें उशर करना मुल्क। तो आपको लगता है कि प्रकाश राय के अंदर ये सारी खूबियाँ हैं कि कल ये इनकी माइंड और इनकी सोच भी उन लोगों के ऐसा करप्ट नहीं हो जाएगा? प्रकाश राज का सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने एक ल्यूक्रेटिव, आज के ज़माने में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मल्टी लिंगुअल एक्टर सुपरस्टार हैं, और अभी मुझे वो बता रहे थे उनका बिजनेस भी नहीं है, क्या भी नहीं है। तो इतना बड़ा करियर स्टेक करके मोदी को गाली देना, गाली मतलब गलीज बात नहीं, उसे अपोज करना, कौन कौन सा लीडर करे बताइए मुझे आप, करना हमारे वास्ते माइनॉरिटीज़ का उसे सैक्रीफाइस करने के लिए खड़े हैं। तो माइनॉरिटीज़ का भी मॉरल ड्यूटी है कि हमें उनके ऊपर, उनको सपोर्ट करना, नहीं तो किसके पास है उनको क्या? ही विल लूज। उनका करियर प्रॉब्लम में आ गया, फिर भी वो सोच रहे नहीं, उनका हर चीज़, हर, मेरे ख्याल से उनकी पर्सनल लाइफ भी डेंजर में आ जाएंगी। वो एक बुलंद आवाज़ बन के इंडिया की या माइनॉरिटीज़ के बन रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हमें सपोर्ट करना। तो हमको, आपको ये लगता है कि खुल के हमको प्रकाश राज को सपोर्ट करना चाहिए सेंट्रल में? डेफिनेटली, एंटी स्टेटस को इस आदमी है, एक फ्रेश थाट है, एक एस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन करे हैं, एक बहादुरी से करे हैं। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को, देखो इन्होंने सच्चार कमेटी की रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं करे, हिंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस कुंडू रिपोर्ट भी नहीं करे, टिपू सुल्तान यूनिवर्सिटी बना दी, कई को नहीं बनाए। जयंती सेलिब्रेट करते हैं, किसे होना जयंती? जयंती मैं समझता हूँ कि टिपू सुल्तान से बड़ा बहादुर कौन भी पैदा नहीं होता हिंदुस्तान में, ना पैदा होगा। मैं सेलिब्रेट करता हूँ ना टिपू सुल्तान को, तुम्हें कई को कर रही, तुम्हें ये सिखा को दे रही, दूसरों को उन्होंने कनका जयंती कर रही, बसवाना ये जयंती में हमने डुबा को रखी। टिपू सुल्तान यूनिवर्सिटी कहीं को एस्टैब्लिश नहीं करे तुम्हें, कब तक हम लड्डू देते रहते हैं? ये बस आ गई हमें, मैच क्या सभी लोग बस आ गए। मैं समझता हूँ कि एक एंटी स्टेटस कोई को मौका देखना देना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि प्रकाश राज जैसे शरियार खान बोल रहे हैं सुटेबल कैंडिडेट है सेंट्रल के लिए और लोगों की देख रेख करेंगे, आपका क्या व्यू है? सर, प्रकाश राय और ऐने गेलिसबेकु अंद्रे ಅವರು ಪ್ರಜೆಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಶರಿಯರ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ ಆ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ, ಕಾರಣ ಒಂದೇ, ಶರಿಯರ್ ಖಾನು ಯಾವುದೇ ಕರಪ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು. ಆದರೆ ಆ ವಜೆಯಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈಗೂ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ. ಹೌದು ಸರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಏಕ ಅಚ್ಚಾ ಆದ್ಮಿ ಹೇ ಉನ್ನೆ ಆನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೋ ತೋ ಅಪ್ನಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ತಬಾ ಕರ್ ಚುಕೆ ಹೇ ನಾ, ಐಸಾ ತೋ ಕೋಯಿ ಕಿಯಾ ನಹೀ ಹಮಕೋ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಹಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೇ ನಹೀ ಹೈ ಭಾಯಿ, ಹಮ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೇ ಹೈ, ಹಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇ ಹೈ. ಕ್ಯೂಂ ಆಪ್ ಆಪ್ ಉನ್ಕೋ ವೋಟ್ ದೇಂಗೆ? ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಜರೂರ್ ದೂಂಗಾ, ಮೈ ಔರ್ ಮೇರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾ ವೋಟ್ ದೂಂಗಾ ಔರ್ ದಲಾವುಂಗಾ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್. ಬಲ್ ಸಾಹಬ್, ಜಹಾಂ ತಕ್ ಅಭಿ ಸಾರೆ ಲೋಗೋ ಕಾ ಏಕ್ ಹಿ ರುಜಾವ್ ನಜರ್ ಆ ರಹಾ ಹೈ ಕಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಲೋಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹ ರಹೇ ಹೈ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಕಿ, ಆಪ್ಕಿ ಕ್ಯಾ ಸೋಚ್ ಹೈ? ಮೇರಿ ಭಿ ಸೋಚ್ ವಹಿ ಹೈ, ಮೈ ಭಿ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ ಕಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈಸೆ ಲೀಡರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇ ಖಡೆ ಹೈ ಔರ್ ವೋಟ್ ಜ್ಯಾದಾ ಸೇ ಜ್ಯಾದಾ ವೋಟ್ ಹಾಸಿಲ್ ಮಿಲೋ. ಲೋಗ್ ಪೂಛ್ತೇ ಹೈ ಮುಝೆ ಕಿ ಆಪ್ ಕ್ಯೂಂ ಉನ್ಕೋ ದೇಂಗೆ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್? आई आज दोज पीपल की हु इज़ अ विनिंग कैंडिडेट, कैसे आप गारंटी से कह सकते हैं कि ये जीतेंगे या वो जीतेंगे? वाई नॉट प्रकाश राज? एटलीस्ट मैं अगर प्रकाश राज साहब को वोट दूंगा तो कम से कम मुझे ये तसल्ली है कि मैंने एक अच्छे आदमी को वोट दिया. जीत और हार तो अल्लाह के हाथ में है, किसको जिताना है किसको हराना है वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है, मगर मेरे हिसाब से अगर मैं एक अच्छे उम्मीदवार को वोट दूंगा तो मेरा एक कॉन्शियस क्लियर है, मुझे एक तसल्ली हो जाएगी कि ठीक है मेरा वोट ज़ाया नहीं गया है.
और सबको ये सोच के साथ सब अगर वोट करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर जीत होगी। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ तक ये पॉलिटिकल होता है कि कास्ट वाइज होता है कि कल वहाँ पे कोई मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस से या जनता दल से खड़ा हो जाए तो आप उस वक्त क्या तब भी आप प्रकाश राज को सपोर्ट करेंगे? देखिए मेरी नज़र में हिंदू खड़े, क्रिश्चियन खड़े, मुसलमान खड़े, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक नहीं देखिए अच्छा मैं एक क्वेश्चन इसलिए पूछा कि आजकल सारे लोगों के दिमाग में बात भर दी गई है कि जहां पे मुसलमान हैं उनको उसके तरह से की बात करके मुसलमानों को वोट मुसलमान कैंडिडेट को मिल जाता है, हिंदू की वोट हिंदू को मिल जाता है, क्योंकि डर का माहौल दिखाकर ये आ जाएंगे तो आपके लिए थ्रेट है, वो आ जाएंगे तो आपको थ्रेट है। इस सिनारियो में इस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर प्रकाश राज के अगेंस्ट में कांग्रेस की तरफ से कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है सेंट्रल में तब भी आप प्रकाश राज को सपोर्ट करेंगे? प्रकाश राज को सपोर्ट करने का हमारा फैसला अटल है। हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे फैमिलीज, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त रिश्तेदार सबसे हम विनती करते हैं कि वो प्रकाश राज को ही वोट दें। जहाँ तक ये कैस्टिज्म का इशू है, चाहे मुसलमान खड़े चाहे कोई और खड़े प्रकाश राज के अगेंस्ट में कोई और पार्टी से, अब तक तो कैंडिडेटचर आ चुका होना चाहिए था, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। इसका मतलब कि दे आर नॉट श्योर कि कौन रिप्रेजेंट करेगा कांग्रेस में या बीजेपी में। ये आदमी पहले ही पुट द हैट इन द रिंग इन द फर्स्ट, पहले इन्होंने अनाउंस किया है। तो हम लोग सबको हमारी जिम्मेदारी बनती है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, तमिल वाले हों, तेलुगू हो, क्रिश्चियंस हो या हिंदूज हो, जो भी हो, आज ज़रूरत है कि कोई अच्छा कैंडिडेट खड़े, अच्छा कैंडिडेट जीते। मुसलमान हिंदू ये सब सेकेंडरी है, और जो ये बात करेगा कि मुसलमान को डालो हिंदू को डालो, मैं समझता हूँ उस कैंडिडेट को कोई भी नहीं डालना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो एजेंडा कंटिन्यू होने वाला है। कहीं ना कहीं इस एजेंडे को स्टॉप करना है और कहीं ना कहीं बता देना है कि ये हिंदू मुस्लिम का ये जो ड्रामा चल रहा है ये अब से नहीं होगा। ये हम लोगों ने कोशिश किया था कि बेंगलोर सेंट्रल में जो प्रकाश राज खड़े हैं वहाँ कुछ लोगों से बात करके ये हमने जानने की कोशिश की थी कि इनका थिंकिंग क्या है, ये कितना उनको पसंद करते हैं। तो फिर अगले एपिसोड में और दूसरे जगह हम इसके बारे में सेंट्रल में लोग किसको वोट देना चाहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।